साथी मुझसे कह रहे थे कि आपके साथ जो हुआ इसका मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने कहा कि उसका मुझे ही दुख नहीं है तो आपको दुख क्यों? आवाज आ रहे थे, उन्हें दिखा रहे थे, उसका मतलब अनुचित के समझने। मुझे लगता है मेरा फोटो अगर आप ठीक से देखे होंगे तो मेरा फोटो कोई दबा हुआ नहीं है ऐसे। इसका मतलब है कि अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए इनकलाब करना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। बहादुर लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, कायर और बेईमान डरपोक लोग कभी मिशन नहीं चला सकता। ये आपकी लड़ाई नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। अगर आप चूक गए, हार गए, तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आज मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोलूं, कोई तैयारी नहीं। महमूद भाई बोले हैं बहुत विस्तार से, अच्छी बात है, उनसे मेरी सहमति और समर्थन करता। बहरहाल बाबा साहब का बिगड़ा चेला कहता हूं अपने आप, तो कुछ बोलूंगा तो खराब भी लगे, खराब लगने के लिए भी मैं बोलता हूं। ये सबको अच्छा लगे है मेरी बात, तो इसका मतलब मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। अभी मैं बाहर था, अभी तो साथी मुझसे कह रहे थे कि आपके साथ जो हुआ इसका मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने कहा कि उसका मुझे ही दुख नहीं है तो आपको दुख क्यों हुआ? भाई बाबा साहब ऐसे उंगली दिखा रहे थे ऐसे, उसका मतलब हम लोग ठीक से समझे नहीं। और मुझे लगता है मेरा फोटो अगर आप ठीक से देखे होंगे तो मेरा फोटो कोई दबा हुआ नहीं है ऐसे। इसका मतलब है कि अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए इनकलाब करना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, और अंबेडकर भगत सिंह को मिलाना पड़ेगा विचारों को। 8 पॉइंट वहां लिखा हुआ है, यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा कमजोर है। उसमें सब जो है एक ही व्यवस्था के सब अंग सब, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ईवीएम वाला चक्कर है, ईवीएम का चक्कर है। तो शैतान की जान कहां पे है? तोते में। ईवीएम ब्रेक कर दो, ईवीएम सिस्टम टूटेगा, सरकार आपकी होगी। और सामने कई एविडेंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई गलती है। ईवीएम मशीन जो लूट रहे हैं, जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, वही लोग हैं जो हमारे बूथ लूटते थे। पहले तो बूथ पे नहीं जाने देते थे, और जब हम वोट देना सीखे, देखिए पूरा कोइंसिडेंस है, जब बहुजन समाज के लोग वोट बूथ पे जाने लगे तब जो है बूथ लूटना शुरू हुआ। देखिए इस विपरीत परिस्थिति में जिस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है, परिसंघ को और उदित राजी को, डॉक्टर ओम सुधा को, तमाम आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि 1.5 महीना के अंदर 2 बड़ी-बड़ी सभाएं दिल्ली में हो चुकी, और इसका मतलब है लोग जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। प्रमोशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा प्रमोशन 4 साल से ड्यू है, मैं नौकरी की परवाह नहीं करता, प्रमोशन की कौन पूछ रहा है, मैं नौकरी की परवाह नहीं करता। तो यहां पर एक कलाकार ये बोलकर कि मैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के आया हूं, आपने मुख्यमंत्री बना दी। अरे आपके समाज में लोग नौकरी और जाम दांव पे लगा के लड़ रहे हैं, अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। मेरे घर में उदित राज जी के हैं, बड़ा सा बंगला मिला हुआ, क्या हूं सांसद से कम नहीं है, सारी सुविधाएं, इतना रिस्क किसके लिए लिया जा रहा है? समाज के लिए लिया जा रहा है। छोटे छोटे हमारे ये काम हो जाए, हमारे ये काम हो जाए, इससे समाज नहीं बदलने वाला है। हमें बहादुर लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, कायर और बेईमान डरपोक लोग कभी मिशन नहीं चला सकता। बहुत सारे प्रोफेसर हैं, मुझे अब एसोसिएट से प्रोफेसर से डीन बना दो, मुझे प्रिंसिपल बना दो। अरे मैं कह रहा हूं मुझे जो बनना है तुम बना ही नहीं सकते हो, कोई नहीं बना सकता है इस धरती पे। मुझे महान आदमी बनना है, बताओ कैसे बनाओ, बताओ।
महान आदमी तो संघर्षों से बनता है ना, तपता है पहले। रिनाउंसर बाबा साहब बहुत त्याग किए तब आप याद करते हैं। बुद्धा, संत रविदास, कबीर, अपने इतिहास परंपराओं को समझिए। और ये नहीं कि रतनलाल एक होंगे, 1000 रतनलाल आपको सबको अपने घर से पैदा करना पड़ेगा। ऐसे बहादुरों चाहिए। गिरफ्तार हो गया तो क्या हो गया, कोई पॉकेटमारी में थोड़े गिरफ्तार हुए थे। आइडियोलॉजिकल बैटल है, मैंने माफी मांगी, मैंने कोई पोस्ट हटाया, मैंने स्टेटमेंट वापस लिया, नो, एब्सोल्युटली नो, और न लूंगा। ये छोटी छोटी लड़ाई नहीं, इसको अगर समराइज करेंगे, बहुत लंबा बोलने के मूड में नहीं, सीधा परिसंघ के पास क्या विकल्प है। मैं व्यक्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता। अगर ओम सुधा गलत करेंगे, उदित राज जी गलत करेंगे, तो ये परिसंघ के लोग हैं सार्वभौम, सर्वशक्तिमान, उनको हटाइए, नए लीडर्स पैदा कीजिए। हमें चाहिए कमिटेड लोग, थे ना, ये नहीं कि हम टिकट विकट के चक्कर में, हम लोग कोई पोस्ट के चक्कर में नहीं रहते हैं। जितना सांसद को लोग जानता है उतना हम लोग को भी जानता, ज्यादा ही जानता होगा। आप लोग यहां जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया खाना भी खिलाते हैं, बढ़िया होटल में रखते हैं, कार में घुमाते हैं। तो हम आजकल जिनको संसद विधानसभा में जाना है वो जाए, हम लोग पूरा ताकत लगाएंगे उसमें। हम थोड़ा सा सड़क में जाने के मूड में आए, सफाई अभियान कर रहे हैं, सड़क पर करेंगे सफाई अभियान। मोदी जी से हम भी प्रभावित, झाड़ू से सफाई चला रहे हैं, मैं विचारों से चला रहा हूं। दिमाग का कचरा साफ करिए पहले। और आप सब बुद्धिजीवी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हमारे यूट्यूबर भाई लोग पहुंचा देगा मेरा बात करोड़ों लोगों के लिए। आडंबर पाखंड कर्मकांड, इसको जिस दिन आपने त्याग दिया, माताएं बहने भी हैं यहां पे, महिलाएं भी है काफी संख्या, जिस दिन ये सब त्याग दिया उसी दिन आप बुद्धिस्ट हो गए। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, साइंटिफिक विज्ञान लाओ, ज्ञान लाओ घर के अंदर, आडंबर पर ये कचरा साफ करो। क्योंकि अभी इस देश की जो राजनीति चल रही है उसकी रीढ़ कहां पे पता है आपको, धर्म में। हिंदू मुस्लिम सिलेबस बनाया हुआ है, हमारे जैसे लोग आ जाते हैं बीच में तो सवाल ही गलत हो जाता है, सिलेबस में तो हम थे ही नहीं। ये जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पुरमो छोड़िए ना तो नौकरी ही नहीं रही। अब तो बड़ी लड़ाई है, देश के संसाधन में हिस्सेदारी की लड़ाई, बड़ी लड़ाई लड़ी। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, सीएसटी कर्मचारी संगठन बना, से प्रमोशन, अरे कहां है रिजर्वेशन ही नहीं बचा। पूरा आंकड़ा आ गया कि 8 साल में आपने 7 लाख नौकरी दी है, तो 7 लाख नौकरी में कितने हमें मिले होंगे अगर ठीक से लागू हुआ होगा तो, 1.25 लाख, वो भी टॉप पोजिशन पर कोई नहीं है। क्यों बाबू बनने के लिए मरे जा रहे हो, छोड़ो बच्चों को बहादुर बनाओ, बाबू मत बनाओ, उसको बिजनेस कराइए, उसको लीडर बनाइए। और एक आज मेरा प्रस्ताव है उदित राज, लोकसभा का चुनाव होना है और ये विज्ञान भवन में प्रोग्राम होगा दिसंबर में, उसके पहले 3-4 राज्यों में प्रोग्राम कराइए, स्टेट कैपिटल में। हम लोग सब चलेंगे, संवाद करना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, अपना टिकट से चलेंगे, चिंता की बात नहीं है। नहीं तो जिस राज्य में करवाएंगे वहां के प्रेसिडेंट साहब चलेंगे, और इस संघ में सीधा कोई दबाव नहीं डालेंगे, रहने खाने के इंतजाम में कुछ कुछ करूंगा, ठीक है, आप कराइए। अब हमारे पास विकल्प क्या बचा, विकल्प यह है कि क्या इस देश में हम राजनीतिक विकल्प, पॉलिटिकल विकल्प पेश कर सकते हैं या नहीं। दूसरा विकल्प यह है कि हमारे जो एजेंडे हैं, जो पार्टी लोकसभा इलेक्शन के पहले रामलीला ग्राउंड भरना पड़ेगा, 5 लाख लोग लाइए, ताकत दिखाइए, ये आपकी लड़ाई नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। अगर आप चूक गए, हार गए, तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अरे हम लोग तो ये कम से कम कह ही सकते हैं ना कि जब जंगल में आग लगी थी तो चिड़िया की तरह पानी फुरफुर मार रहे थे,
भगोड़ों में तो नहीं है, भाग तो नहीं रहे, मेरे घर परिवार भी है सब। तो दो विकल्प हमारे सामने, मुझे लगता है कि पहला विकल्प थोड़ा सा कठिन है, अभी हम राजनीतिक विकल्प पेश करने की स्थिति में नहीं। और मैंने सफाई अभियान जो कहा, हमारे नेता सब भी आजकल सावन का महीना चल रहा, बड़ा फोटो खिंचवा रहे हैं, वही कचरा साफ करना है। जिस दिन ज्ञान विज्ञान के साथ लीडर पैदा कर देंगे उस दिन आप सब बचा लेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम प्रेशर दबाव समूह बनाए, प्रेशर ग्रुप बनाए, 5 लाख लोग आओ, हमारा एजेंडा है जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे डिमांड के समर्थन में घोषणा पत्र में डालेगा, मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो एक वचन होता है, प्रतिज्ञा होता है लोगों के साथ, कि जो घोषणा पत्र में डालेगा उसको परिसंघ का समर्थन होगा। सही है, सहमत है? जी, पहले डाले तो सही, नहीं नहीं आप जो नहीं नहीं आप पहले डालो तो सही। आई एम अ पॉलिटिकल मैन ब्रदर, बोले सब बातें यहां थोड़ी बोलूंगा, कुछ दिमाग में रखता हूं। महमूद साहब बोले थे इमोशन दिल का, मेरा इमोशन इधर है, कहां गए महमूद भाई? इमोशन इधर है मेरा, दिमाग इमोशन दोनों एक साथ रखता हूं। ये डाल के तो दिखाए पहले, यही तो चुनौती है। निजीकरण क्या, इस देश दुनिया का सबसे अमीर आदमी, चौथा अमीर आदमी देश का सबसे बड़ा कर्जदार है, हम तो घोषणा में डालो, एक पॉइंट और डालो कि अडानी के कंपनी का राष्ट्रीयकरण करेंगे, डन। ये इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया, आज कांग्रेस की इतनी ताकत नहीं है, वैचारिक ताकत नहीं है कि अपने अपने लिगेसी को उसमें क्लेम कर सके, दावा कर सके। और यहां ये एक बात कांग्रेस के लोगों को याद दिला दूं, 1948 का डॉक्टर अंबेडकर का लखनऊ का भाषण जरूर पढ़े कि हमने कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन किया, पूरा भाषण है, जस्टिफिकेशन, लॉजिक, ये कारण है मैंने कांग्रेस सरकार ज्वाइन किया। तो ये घोषणा पत्र में आया, अडानी को जो है राष्ट्रीयकरण करेंगे, और जो जो गलत तरीके से अडानी को मदद किया होगा वो सबको जेल भेजें, ये डालो घोषणा पत्र। अरे होने के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव नथिंग टू लूज बट आवर चेंज, काल मार्क्स का बहुत पुराना स्टेटमेंट है, वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्री यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज एंड यू हैव वर्ल्ड टू विन। अब आपके पास क्या है, खुले क्या आरक्षण नहीं था तो आपके पुरखे दिए कि नहीं, क्या ये पहली बार हो रहा है कि दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बन रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, अशोका कौन थे, गोंड राज नहीं था, गुंडवाना, हमारे पुरखे राजा इस देश के हुक्मरान नहीं थे, अपने इतिहास को पढ़ो, सुमित जी अभी बैठे हुए लगातार इतिहास बताते रहते हैं फेसबुक पर, ये कोई एहसान नहीं है। प्रतीक की राजनीति को हम समझते हैं कि एक भाई को पुचकारो और दूसरे का गला काटो, ठीक है, अच्छा है, बन गए, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तो लड़ाई क्या है खोने के लिए, भाई एक जान है, एक जान ही है ना, वो भी कोई अमर होने आए नहीं है, एक न तीन जानी ही, यमराज आए थे कल सपने में, अब बोला उन्होंने कहा बातचीत हुई मेरे, मैंने कहा कि अभी 50 हुआ है, 80 के बाद मुलाकात होगी तब हम लोग थोड़ा डील करेंगे कब चलना है, तो जहां इससे डरिए मत, कोई अजर अमर होने नहीं आया, ये लड़ाई कभी हमें सेनापति चाहिए। आपको मैं बता दूं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है और समाज तैयार है, मैं टेस्ट करता हूं थर्मामीटर से, 9 महीने के अंदर 50 लाख रुपए लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, और मैं अपने लिए नहीं मांगता, एवरीबॉडी नोज दैट, जो साथी कुछ अगर कोई माइक खरीदे मोबाइल खरीदे अलग बात है, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं पैसों से, एक बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, एक जर्मनी में पढ़ रहा है, अभी 25 तारीख को एक बच्ची कलकत्ता नियुक्त पढ़ने गई, सुनीता माता को भी पैसे भेजे गए, क्यों भेजा जा रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद
15 साल नौकरी है, सब ठीक ठाक रहा, 50 बच्चे पढ़ा देंगे, मरने के बाद 50 सेनापति तैयार कर रहे हैं जो हमारी लड़ाई आगे लड़ रहे हैं। Precisely, this is a political battle and we have to fight it politically. ये राजनीतिक लड़ाई, इसलिए 24 के पहले इस मूड में हूं। और चलिए, भारत में जहां जहां सभा करना है, शनिचर इतवार रखिएगा कि उस दिन मेरी छुट्टी होती, चलते हैं, आर पार हो जाए और मुझे दोनों तरफ लड़ना है। एक कर्मकांडी पाखंडी अपने नेता से भी जनता को वापस लाना है, आजा भाई उधर रास्ता नहीं। एक अभी देखा मैंने, अभी वीडियो की, हाजीपुर में एक लड़के को वो आस्था के नाम पर जो है गिरफ्तार कर लिया, बताया तुमको हम, तो तुम्हारे आस्था, हर बात पे आस्था तुम्हारी ठेस पहुंचती है। तो आस्था जो भावना आहत, जो पूरा एंटी भावना आहत ब्रिगेड के मुखिया कौन थे पता आपको? एंटी भावना आहत, इसके मुखिया थे वो बुद्धा, उसके बाद पेरियार। तो दोनों देखूंगा, भावना तुम्हारी, मतलब तुम्हारे पांव चरण, हमारे पांव लाभ, हमारी भावना नहीं। तो फिलहाल सड़क के अभी लड़ने के मूड में हूं, 10 वर्ष सफाई अभियान चला रहा हूं। जितने साथी सुन रहे होंगे मेरे वक्तव्य को सुनते हुए, घर में से पहले आडंबर पाखंड जितना कर्मकांड है, ले जाके नदी में विसर्जन कर देना, कह देना कि बहुत ही नाच नचायो, मैं नहीं माखन खायो। शुक्रिया, जय हिंद।